गेंद ना खेले हमें गेंद खिला से लगी है असर हम गेंद खिली हो चले कोई काठे दो तीन लोग हुई है तब गेंद खेले चले निर्गेन काठे नीचे से खेले चले जाए क्या बात अरे यार चलो खेले खेल खेले चले ये कितना सुंदर बगीचा है हम बताओ चलो ये पीटूपी खेल रहे हैं पीटूपी अटेंडा वो अटेंडा नहीं हां हम लोग गेम खेलते हैं बारी बारी से कहते हैं गेम खेलेंगे गेम खेलियो हाँ गेम लाए हो गेमर है ना और वो कहाँ गए कन्वर भैया हाँ हाँ अभी आना नहीं आता होगा बुला दो यार तुम यार अरे यार हम उनके पीछे बैठे रहेंगे गेम लाए हो गेम हम बुलिया है तुम लाए हो हमारे पास ना है तुम पास हो तब खेलियो क्या अंगूठ हमारे कुछ नहीं है भाई भैया तुम्हारे पास गेम अब नहीं गेम लाए जो हम लोग को खरीद के गेम दी थी तो बोलो नहीं बहुत कही बोल रहा है एक गेंद हमारे लिए है तब अच्छा तो हमारी नानी को लहंगा को बनो बोल रहा है हमारी नानी लहंगा हाँ तो वही खेलो खेलता है भाई देखो पहाय वहाय ना नहीं बहेगा नहीं अब पहेगा तो अम्मा बुआ महतारी समझ लीजिए गाड़ी दे गाड़ी देवो मरीबो करीबो अच्छा जो हमारी नानी को लहंगा गेंद बना हुआ है चलो ठीक है तुम्हारी नानी की लहंगा का बना हुआ है ये गायब नहीं होगा अरे हो चंद्रपाल ए चंद्रपाल ए चलो खड़े हो खड़े हो खेल रहे हैं खेल किला दोस्तों भोरा के सुनने वाले कर्णपाल और भैया जौरा भौरा प्रथम कैसे बगीचे में गेम खेलते हैं दोस्तों ध्यान दें खिलाड़ी खेल रहा है गेंद खिलाड़ी
अरे उसकी नानी के बताओ लाना छोड़ो नानी दिन नहीं कर को बनो ठीक है भैया हम तुम्हारी मत रो मत रोना हम राज के लगा के देंगे तुम चले जाओ हमें बुक्का बनाई दे नहीं जाएंगे तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे हाँ ठीक है पिताजी हम तुम चारों भाई हैं और कोई किसी को छोड़ के नहीं जाएगा हमने छोड़ो ना है जब तक हम आई है नहीं तब तक पोछा लगाए हैं कहीं महलों में पूरा अच्छा महारानी जी ये बताओ भैया पलका मंगा दो पलका सुनो सुनो मेरी बात सुनो अच्छा ऐसा है घर मालिक कहाँ है भैया घर मालिक कहाँ है इधर आओ एक खटिया जल्दी से लाने की कृपा दीजिए हाँ एक खटिया जल्दी लाओ तभी ये खेल होगा भैया ये बाद में खेल नहीं होगा हाँ जल्दी जाओ हाथ से महारानी जी ऐसा है दासी आपके हाथों पैरों में बहुत दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है कहाँ कहाँ काम हो रहा है हवा किस से फिर आ रही है हाँ सारा काम पहनों का तो संभाल लो भी हो रहा सभी हो रहा है सभी दासी महारानी जी ऐसा है अरे भैया साबेदार जी मकान मालिक जो हमारे यहाँ सुनते हैं चाय भिजवाते हैं दो तीन लोग दाल रखे वो अरे खटिया ले आ भैया खटिया जल्दी जल्दी ले आप हो दासी ठीक है पोछा लगा लो सारे मकान में बढ़ा यार बढ़ा कहानी बढ़ा दासी ये क्या कह रही हो पीछे से मरी हो तो सामने ये महिला में ऐसी चीज आई है महारानी जी हाँ मेरी बात सुनो कौन सी आप पहले चार पाई बना लीजिए सुनो सुनो आप उसे आराम कर लीजिए फिर उसके बाद में जो कुछ होगा वो रुका जाएगा मेरी बात सुनो महारानी जी ऐसा है आप यहाँ पर मर जाइए और आप कहती हो कि महलों में झाड़ू लगाए हाँ दासी तो ठीक है तुम आराम करिए और मैं महलों में झाड़ू लगाने के लिए जा रही हूँ ठीक है ठीक है आज मौसम बहुत सुहाना है तुम्हारी कसम हेलो अरे मेरी मन की बतिया तो जाने मेरी मन की बतिया तो जाने